सार संग्रह, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति एक सेन ने चार अश्वमेघ यज्ञ किए थे वह किस राजवंश का था वंश का अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था बख्शी ऋग्वैदिक काल में शासन काल का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था सात सौ पांच हुमायूनुमा किसकी कृति है बेगम की दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी सात पंच सिद्धांति का बृहत संहिता और बृहद जातक किसकी रचनाएं हैं वारहा मिर की आठ सिपरा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त पश्चिमी राजधानी था उज्जैन सातवाहन में नौरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया नगनिका और गौतमी ने दस बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाम से अभिहित किया गया है मिलेंद्र राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन ग्यारह किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए चौसठ दिनों का उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया जतीन दास ने बारह पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेदार कौन था चपेकर बंधु तेरह इंडिया हाउस के की स्थापना किसने की श्यामजी कृष्ण वर्मा ने चौदह सूर्य किस संगठन से संबंधित है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से पंद्रह आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया शहनवाज खां गुरदयाल सिंह ढिल्लो प्रेम सहगर सोलह भारत छोड़ आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी चीतू पांडे ने सत्रह अठारह सौ के विद्रोह के किस नेता का नाम ढोडू पंत था नाना साहब का अठारह बहादुर शाह दो को किसने गिरफ्तार किया था हटसन ने उन्नीस अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है बी डी सावरकर ने बीस कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी राजाराम, मोहन राय ने भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान इक्कीस उन्नीस सौ अंठावन में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था आंध्र प्रदेश संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा दमन तथा दीव को भारत का अंग बना लिया गया उन्नीस में तेईस राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर पत्र बनाने के लिए किस वी, किस व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए पैंतीस बरस चौबीस संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी नौ दिसंबर उन्नीस को पच्चीस राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद पचास के अंतर्गत छब्बीस राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषण कौन करता है चुनाव आयोग २७ भारत सरकार का कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है कि तुम मतदान नहीं कर सकता है भारत का महान्यायवादी अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया अट्ठाईस भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में 29 संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति तीस किस रीट के जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई करने से रोक सकता है प्रतिषेध भारत एवं विश्व का भूगोल इकतीस दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है बाईस दिसंबर को बत्तीस तस्कंद समरकंद बुखारा नगर किस देश में है उजबकिस्तान में तैतीस कोचिन का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम चौंतीस ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सिक कहाँ स्थित है इक्वेडोर में पैंतीस ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टानों में की जाती है पतालिये अग्नेस सेल प्लूटोनिक इग्नेस रॉक्स छत्तीस मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है पश्चिमी प्रशांत महासागर में सैतीस भारत में प्रथम बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था दामोदर नदी पर अड़तीस सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है सतलज उनचालीस सूबा किस देश की राजधानी है फिजी की कोलंबिया का पठार किस देश में है संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्यावरण एवं जैव विविधता इकतालीस पृथ्वी में जिस बिंदु पर सबसे पहले विदिर्ण होता है उसको क्या कहा जाता है हाइपोसेंटर सेंटर बयालीस कौन सी प्राकृतिक आपदा हर वर्ष भारतीय लोगों पर सबसे अधिक प्रभावित करती है बार तैतालीस भूस्खलन के संदर्भ में प्रयोग किया गया शब्द जो कि मूल रूप से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के तहत भू सामग्री के नीचे की ओर संचालन से संबंधित है मास वेस्टिंग कौन सा तटीय आपदाओं के विरुद्ध सबसे अधिक अविश्वसनीय सुरक्षा बचाव का उपाय हो सकता है मैनग्रोव 45 कौन सा क्षेत्र भूकंप के उच्च जोखिम वाले जोन के अंतर्गत आता है हिमालय क्षेत्र 46 कौन सी प्राकृतिक आपदा पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है भूकंप 47 किस वर्ष में मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी तट भारतीय तटीय क्षेत्रों में सुनामी का अनुभव किया गया 2004 अड़तालीस पृथ्वी पर आने वाले कुल भूकंपों की तुलना में पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर स्थित भौगोलिक क्षेत्रों में आने वाले भूकंपों का अनुमानित प्रतिशत कितना है नब्बे प्रतिशत उनचास सुनामी किन कारणों से उत्पन्न होती है महासागरों में शक्तिशाली भूकंप और भूस्खलन से पचास कोई जीव किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए कितना उपयुक्त है को क्या कहा जाता है अनुकूलन भारतीय अर्थव्यवस्था कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी किस पूजी पर की जाती है पूंजी पर बावन किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा कर राजस्व स्कोर को प्राप्त होता है टेलीफोन तिरपन राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है कानपुर चौवन किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है पचपन यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा मुद्रा स्फीति छपन प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति को अभ्यपन होती है जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है संतावन सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है उत्पाद शुल्क अंठावन भारत के विदेशी विनिमय बी कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है विदेशी मुद्रा स्वर्ण तथा एशिया का प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारत किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है उत्तराखंड सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी इकसठ सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है पृथ्वी बासठ गैलोलियन दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी सौ सेंटीमीटर तथा नेत्रिका के दो सेंटीमीटर है समान दृष्टि नॉर्मल के लिए दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी अंठानबे सेंटीमीटर तिरसठ तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दावी संलयन चौसठ मैडम से रेडियम प्राप्त किया था चीप बलैंड से पैसठ रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे या पेड़ की, की पतियों का उपयोग करता है शहतुत की पत्तियों का छियासठ खाद्य को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है हाइड्रोज़नेशन की प्रक्रिया से सड़सठ ध्रुवन किस प्रकार के तरंगों का गुण है अनुप्रस्थ तरंगों का अड़सठ पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा है सूर्य उनहत्तर धातुओं के विद्युत का सुचालक होने का कारण है उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति सत्तर कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु वजन में उससे लगभग आधी होती है टाइटेनियम इकहत्तर खेलकूद हॉफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है कुश्ती से बहत्तर मिक्स डबल्स पद पर किन खेलों में प्रयुक्त किया जाता है बैडमिंटन टेनिस टेबल टेनिस में दिवंगत पॉली उमरीगर किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी थे क्रिकेट के राजीव गांधी खेल अवार्ड में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है पांच लाख पचहत्तर ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई यूनान से छिहत्तर ओलंपिक खेल कितने समय अंतराल से आयोजित किए जाते हैं चार वर्ष के समय अंतराल में सतहत्तर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी लेंस आर्मस्ट्रांग किस देश है? के हैं यूएसए के अठहत्तर राष्ट्रमंडल खेल दो में भारत द्वारा कितने स्वर्ण पदक जीते गए हैं छब्बीस उनासी विश्व कप क्रिकेट दो में किस खिलाड़ी ने एक ओवर में छ छक्के मारने का करिश्मा पहली बार दिखाया हर्सेल गिप्स अस्सी तानिया सचदेव किस खेल की राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है शतरंज की कंप्यूटर ज्ञान इक्यासी फाइबर ऑप्टिक केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है माइक्रॉन्स बिरासी छठ डिस्क वाला एक दो तरफा चुंबकीय डिस्क पैक सामान्यतया सत्यों का उपयोग करता है दस हार्ड डिस्क दोनों तरफ मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड से कोटेड होता है चौरासी एक गीगाबाइट समतुल्य है दस से चौबीस मेगाबाइट के पचासी कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित रहते हैं रोम छियासी कंप्यूटर वायरस से साधारणतया स्वयं को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से अटैच कर लेता है यह प्रोग्राम होस्ट प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई अट्ठासी कौन सा सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर नवासी कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डाटा को नब्बे पास्कल क्या है एक कंप्यूटर लैंग्वेज शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान टी ए टी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है विधि गैंग कोहलर द्वारा अधिगम का प्रयोग कब किया गया सन 1920 में तिरानवे बे। अंतर्दिष्टीय अधिगम में समस्या की किस स्थिति का ध्यान दिया जाता है संपूर्ण स्थिति पर चौरानवे बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार की शिक्षा में रखा जाता है मनोवैज्ञानिक शिक्षण में पंचानवे खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है सामाजिकता का छियानवे थंड ने शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा रूप प्रदान किया निश्चित एवं स्पष्ट हम जो कुछ भी हैं उसका नौ वटा दस भाग जन्मजात है केवल एक बटा दस भाग अर्जित होता है यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है स्टैंग अंठानवे थोनडाइक के अधि गम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है अभ्यास को 99 अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोबैज्ञानिक द्वारा दिया गया है थोन डाइक द्वारा 100 सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया प्रयोगात्मक विधि को संप्रेषण या संचार 101 अंतरवैयक्तिक संचार में पक्षकार महत्व देते हैं एक दूसरे को 102 भारत में काला रंग मृत्यु का प्रतीक है जबकि सुदूर पूर्व में श्वेत रंग मृत्यु का प्रतीक है संचार की किस बाधा को प्रदर्शित करता है सांस्कृतिक बाधाएं एक सौ तीन संचार की सफलता पर निर्भर करता है आपसी विश्वास व समझ एक सौ चार संचार में पक्षकार महत्व देते हैं सूचनाओं के भावार्थ को एक सौ कथन मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता अंतर्व्यक्तिक संचार के किस सिद्धांत को इंगित करता है अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत एक सौ प्रक्रिया में प्राप्त करता वह व्यक्ति होता है जिसे संदेश भेजा जाता है एक सौ सात संदेश की प्रतिक्रिया का ज्ञान संदेश भेजने वाले को अवश्य होना चाहिए सिद्धांत के अनुरूप है प्रतिपुष्टि सिद्धांत एक सौ आठ वह संचार जो संस्था के विभिन्न विभागों के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच होता है बी करनीय संचार एक सौ नौ कुल मिलाकर जब कोई व्यक्ति कुछ करता है तो वह दूसरे के मस्तिष्क में एक समझ उत्पन्न करता है यह संबंध है संचार से एक सौ दस ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन संचार की कौन सी विधि है अनौपचारिक संचार कृषि एक सौ ग्यारह डेयरी विकास स्कीम नेशनल प्रोग्राम फॉर बोबाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट का लॉन्च किया गया फरवरी 2014 में 112 नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात द्वारा क्वालिटी मार्क सर्टिफिकेट स्कीम में क्वालिटी मार्क अवार्ड स्कीम कब चालू की गई जनवरी 2016 में 113 पशुपालन डेयरिंग एवं मत्स्य की विभाग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है छब्बीस नवंबर दो हजार अठारह को एक सौ चौदह दिल्ली मिल्क को एक सौ पंद्रह स्कीम की प्रसंस्करण या पैकिंग की वर्तमान में दुग्ध क्षमता लीटर प्रतिदिन की है पांच ,00 लाख लीटर प्रतिदिन एक सौ सोलह देश में नीली क्रांति किस क्षेत्र में आई थी मत्स्य की उत्पादन में एक राष्ट्रीय मत्स्य की विकास बोर्ड के अधीनस्थ राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस समारोह विशाखापट्टनम वर्ष 2018 में कब मनाया गया 9 से 10 जुलाई 2018 को 118 ज्ञान भवन सम्राट अशोक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पटना राष्ट्रीय मत्स्य की बोर्ड आयोजक द्वारा विश्व मत्स्य दिवस समारोह दो में मनाया गया 22 नवंबर 2018 को 119 वर्ष 2017-18 में देश में कुल दुग्ध उत्पादन हुआ एक मिली टन 120 वर्ष दो हजार में देश में कुल ऊन उत्पादन कितना किलोग्राम हुआ 41.5 मिली टन विविध 121 भारत का गणतंत्र कब बना 26 जनवरी 1950 122 पचास एक सौ बाईस क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है दुग्ध उत्पादन से एक सौ तेईस लेट्स मेक थिंग्स बेटर किस कंपनी के उत्पादों का विज्ञापन पंक्ति है फिलिपिस कंपनी के एक सौ चौबीस गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ बना है मुंबई में एक सौ पच्चीस भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है महाराष्ट्र में लरो या उरो हार्मोन है एड्रेन लीन की 127, एक पूर्वी तो, तिमोर संयुक्त राष्ट्र एक सौ सदस्य राष्ट्र बना है इसकी राजधानी है दिल्ली एक रामचरितमानस में सुंदर कांड से ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाला कांड कौन सा है किसकिदा कांड और लंका कांड एक आयोडी युक्त आयोडिन एक नमक में आयोडीन किस रूप में रहती है पोटेशियम आयोडाइड के रूप में 130 डी विद्यस कंपनी का संबंध किस व्यवसाय से है हीरे के व्यवसाय से 131 फ्लोरेंस नाइटेंगल लेडी विद का नाम किस युद्ध से जुड़ा है क्रीमियम युद्ध से 132 इतिहास में प्रसिद्ध जलियवाला बाग भारत के किस नगर में है अमृतसर में एक सौ तैतीस बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है जातीय संसद एक सौ चौंतीस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी कार्ल मार्क्स ने एक सौ पैंतीस सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है बौद्ध कला व मूर्तिकला का एक सौ छत्तीस नाजीवाद का मुख्य संस्थापक किसे माना जाता है एडोल्फ हिटलर को एक सौ सैंतीस अमीर खुसरो किस शासक दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के एक सौ अड़तीस पीसा की झुकती मीनार किस देश में स्थित है इटली में एक सौ उनचालीस कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के किस सिद्धांत का विकास किया था साम्यवाद का एक सौ चालीस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दो वाली है, पत्ती है या दल है रिपब्लिकन व डेमोक्रेटिक पार्टी